शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। बड़ी खबर इस समय की, शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान जो कि अब नहीं रहे हैं, संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद थे, बड़ी खबर बता रहे हैं। तो आज का बहुत बड़ा दिन, जहां पर एक तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार वोटिंग हो रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए आप ये एक और बड़े झटके के तौर पर खबर ले सकते हैं, क्योंकि उनके कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के अब नहीं रहे। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क, जिनका निधन हो गया है। 90 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र, और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क नहीं रहे। लगातार आपने उनको सुना है, और अपने बयानों के लिए वो अक्सर सुर्खियों में रहा करते थे, और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक निधन हो गया है शफीकुर रहमान बर्क का। अलाउद्दीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हैं। अलाउद्दीन जी, बेहद दुखद खबर शफीकुर रहमान बर्क के निधन की आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में वो भर्ती थे, और खासतौर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ दिनों पहले उनको देखने भी गए थे। 94 साल उनकी उम्र थी, संभल से वो मौजूदा सांसद थे, और अभी समाजवादी पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी की थी तो सबसे ऊपर नाम उनका था जो है संभल से चुनाव लड़ने के लिए। अब समाजवादी पार्टी को रिक्त हुई सीट को लेकर के भी एक मंथन करना होगा कि आखिर वहां से किसको उतारा जाए। तो ऐसे में कई बार के वो सांसद समाजवादी पार्टी के रहे हैं, और खासतौर से मुलायम सिंह यादव ने जब पार्टी बनाई थी तो उनके साथ सन 1989 में समाजवादी पार्टी के फॉर्मेशन में वो थे, संस्थापक और सदस्य थे, कई सारे पदों पर उन्होंने काम किया। मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने राजनीति की, एक लंबा अनुभव उनका संसदीय प्रणाली का उनको रहा है। तमाम लोग दिल्ली में जो है उनको संसद भवन में बोलते हुए सुना था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को एक बड़े नेता के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक धक्का लगा है। कुल उनकी उम्र 94 साल थी, और मुरादाबाद के निजी अस्पताल में अखिलेश यादव उनको देखने के लिए भी गए थे। उनकी हालत उस वक्त भी बहुत नाजुक बनी हुई थी। तो आज अभी दुखद खबर आई है कि शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है, और उनका अंतिम संस्कार वहीं पर होगा। अलाउद्दीन, ये वाकई में एक बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाएगा, कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का गुजरना एक बहुत बड़ी क्षति पार्टी के लिए आप कहेंगे, क्योंकि जिस तरह की ईमानदारी शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से दिखाई जाती थी, और जिस तरह से जो खबरें आती थी कि उनके सांसद या विधायक समाजवादी पार्टी के अपनी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, तो हमेशा उनका एक रिएक्शन जरूर आता था। अब इस क्षति की भरपाई कर पाना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल। अलाउद्दीन, आप बिल्कुल बेबाकी से बोला भी करते थे, आपने देखा होगा, चाहे वो लोकसभा के बाहर रहा हो, कभी वो लखनऊ में भी आते रहे हो, हर मुद्दे पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। हालांकि वो कई बार अपने बयानों के जरिए से कंट्रोवर्शियल भी हो जाते थे, विवादित भी हो जाते थे, कई बार उनके बयान इस तरह के होते थे जो संवैधानिक दायरे से इतर थोड़े से दाएं बाएं भी हो जाते थे, लेकिन वो अपने तर्कों के आधार पर अपनी बातों को रखते थे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात रखने की सबको स्वतंत्रता है। तो ऐसे में वो खुल करके अपनी बात रखते थे, बहुत ज्यादा दबाव में नहीं रहते थे। और मुझे तो याद है कई बार उन्होंने जो है इस्लामी मुद्दों पर, मुस्लिम मुद्दों पर कई बार अपनी राय रखी, तो समाजवादी पार्टी ऑफिस से भी उनको फोन गया कि आप थोड़ा सा जो है इस पूरे बयान को लेकर के थोड़ा सा शिथिलता बरते, लेकिन उन्होंने अपना वो रूप और जो था तरीके वो जारी रखा। तो ऐसे में एक नेता के तौर पर उन्होंने न सिर्फ अपनी एक मजी हुई पारी खेली, बल्कि अपने क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा मशहूर थे, अपने इलाके में मशहूर थे, इवन सांसदों के बीच में, अपने साथी सांसदों के बीच में, चाहे एनडीए के हो, दूसरे पार्टी के हो, एनडीए के अलावा साउथ इंडिया की कई सारी पार्टियां हैं, उन्हें कई सारे मित्र दोस्त हुआ करते थे। हम लोगों ने संसद भवन के बाहर एक बार जो है सांसदों के बीच में इस बात को भी डिसीशन होते सुना कि उनकी उम्र इतनी अच्छी है, और वो इतने तंदुरुस्त सांसद से राज लेना चाहते हैं। 93 साल के शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। शफीकुर रहमान लंबे